हेलो एवरीवन, तो आज मैंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम के बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। यहाँ मैंने खोला है बेसन, और बेसन का मैं बना रही हूँ आज चीला। वरुण के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आज मैं ये बेसन का चीला बनाकर दूंगी। वरुण की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता है कि उनको क्या हुआ है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। सारा कुछ जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है बहुत ही ज़्यादा गंदा और बेकार वाला टाइम है जो कि हमें अभी फेस करना पड़ रहा है। बट एक दूसरे का साथ देते हैं तो पूरा दिन ठीक ठाक ही निकल जाता है। वैशु कहाँ जा रहे हो बेटा? वैशु क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाने कंबल लेके? वैशु यम यम खा लो, खा लो, खा लो बेटा। नहीं तो अभी मेरा ये यहाँ पे चीला बन गया है, तो ये मैं देख के आऊंगी वरुण को। वरुण की हाथ के अंगूठे में लगी हुई है चोट, जो कि हाथ का अंगूठा है वो कट गया है। तो आज ये चीला देख के थोड़े से खुश हो गए थे। लाइफ में जो भी चल रहा है मैं सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगी, ब्लॉग के एंड तक बने रहना। तो यहाँ हम लोग किचन में काम कर रहे हैं, और सबसे पहले तो अभी एक महीना ही हुआ है आज कि मेरे पापा एक्सपायर हो गए, और यहाँ मम्मी आई है आज वरुण को देखने के लिए घर पे। जिस दिन से वरुण के चोट लगी है उस दिन से जिसको भी पता चलता है वही लोग घर पे देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ देखो मम्मी आके ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई यार। मम्मी इस तरीके से ना देखा नहीं जाता। मैं मम्मी को चुप कर रही थी, मम्मी चुप हो जाओ, आप मत रोया करो, काफ़ी टाइम हो गया है, अब पापा की तो यादें ही रह गई हैं, बस हम इससे ज़्यादा तो कर ही क्या सकते हैं। फिर मैंने उनको अंदर जाके ले जाके बिठाया, आराम से पानी वानी पिलाया। एक्चुअल में क्या हुआ था ना कि पापा जी के जाने के बाद मैं एक हफ्ते रुकी थी, फिर उसके बाद अभी मैं दोबारा से गई थी घर पे। तो एक दो रात रुक कर आई थी मैं, उसके बाद घर से वापस आ गई। तो यहाँ पे मम्मी, ताई जी, भाभी, भैया, दादाजी वगैरह सब लोग आए हुए हैं। तो ना जिस दिन हम लोग आए थे सैटरडे को, उस दिन वरुण के हाथ में चोट लग गई। उसके बाद मम्मी को मैंने बताया नहीं, घर में सब लोगों ने मना किया कि ना मम्मी को बताना, मम्मी पहले से ही परेशान है। तो इस वजह से मम्मी को बताया नहीं। उनको पता चला जब मेरी बहन यहाँ पे आई वरुण को देखने के लिए, उसके बाद उसने घर पे जाके बताया, क्योंकि कभी ना कभी तो मम्मी को पता चलता ही, तो तब बताया। बाकी के फिर सारे लोग देखने के लिए आए। पापा जी के साथ भी क्या हुआ, कैसे हुआ, सारा कुछ मैंने व्लॉग में बताया हुआ है। सब लोग यहाँ पे, आप जिसको भी देखोगे किसी के भी चेहरे पर खुशी नहीं है, सब परेशान बैठे हुए हैं यहाँ पे। अभी हो गई है शाम और सब लोगों ने खाना वाना खा लिया। पर उनके पास ना कुछ लोग उनसे मिलने के लिए आए, तो वो सब लोग बैठे हैं। और इस व्लॉग में आज एक महीना हो गया है, एक महीने से भी ज़्यादा हो गया है, तो मैंने आज अपने व्लॉग को स्टार्ट किया है। बहुत टाइम बाद मैं, तो बहुत कुछ हुआ है एक महीने में। कुछ लोगों ने मेरी स्टोरी चेक करी, मैंने पोस्ट डाली हुई थी। आज घर पे मम्मी आई थी, और जैसा कि हमारी लाइफ में चल रहा है बहुत सारे लोगों को पता है कि क्या क्या हुआ है हमारे साथ में, और बहुत लोगों को नहीं पता है। ये मेरे चैनल पे काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि सारे कुछ कैसे बताऊं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि ना संभल नहीं रही हैं, और बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। सबसे पहले तो आज ठीक एक महीना हो गया है और मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। पिछले महीने की ठीक 12 तारीख को वो एक्सपायर हुए थे, और आज एक महीना हो गया। घर पे मम्मी आई थी वरुण से मिलने के लिए, वरुण के साथ भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिससे कि हम लोग पापा चले गए, मैं उस चीज़ से नहीं उभर पाई थी उसके बाद कि वरुण के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। और अभी हम लोगों की लाइफ इतनी टफ चल रही है, इतनी टफ चल रही है कि बहुत ज़्यादा।
जिन लोगों को नहीं पता है मैं वरुण के चैनल का लिंक दे दूंगी, वो डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि अभी हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वो लोग तो ज़रूर जाके देखना, उनके हाथ का एक अंगूठा चला गया है जिससे कि उनकी एविएशन की लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, कुछ ऐसा बोल सकते हैं। अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बाकी का घर की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बेकार चल रही है। सब लोग अपने आप को स्ट्रांग बनाए हुए रखे हुए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस टाइम वरुण परेशान है। हम नहीं चाहते कि हमें देख के वो परेशान हो। मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत करी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपको बतानी है, साथ में वरुण अपने चैनल पे बताते हैं, लेकिन मेरे को भी ये था कि बहुत टाइम हो गया, शायद मुझे भी वापस अपने काम पे लौट आना चाहिए। आज मम्मी आई थी 1 महीने बाद, लेकिन साथ में पापा जी नहीं आए थे। पहली बार ऐसा हुआ कि ना जब मम्मी जा रही थी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी मैं। हमेशा मम्मी पापा जी के साथ आती थी, पर इस बार पापा जी नहीं थे। बहुत सारी चीजें होती है जो हम बोल नहीं पाते, पर पता है हमारे मन में बहुत कुछ होता है। और उसके बाद फिर वरुण के साथ ऐसा हो गया। समझ में नहीं आता कि कैसे, क्या हमसे क्या गलती हुई जो परमात्मा ने हमारे साथ ऐसा किया। पापा जी को कुछ नहीं हुआ था, पापा जी बिल्कुल ठीक थे। पता है घूमने फिरने घूम के आए थे वो, शाम को आकर उन्होंने खाना खाया था। खाना खाने के बाद वो थोड़ी देर आराम किया और उनको गैस बनने लगी। गैस बनते बनते उनकी हालत बिगड़ती गई, डॉक्टर को बुलाया, दवाइयाँ दी, सारे काम किए, हींग दी, चूरन दिया, सब कुछ दिया कि ना गैस ठीक हो जाए, बट वो गैस ठीक नहीं हुई थी। सुबह के 4 बजे के लगभग पापा को हॉस्पिटल लेकर गए, तब तक उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि हमें, डॉक्टर ने बोला था कि हमें ना ICU में भर्ती करेंगे, तो उन्होंने ICU में ले लिया। उसके बाद तुरंत बाद ही पापा जी को ना ट्रीटमेंट चालू हो गया और उनके टॉयलेट वाली नली डली थी। जैसे ही वो नली डलती है वैसे ही पापा जी के हाथ पैर बंद हो जाते हैं। अच्छे खासे पापा जी चल के बोलते हुए गए थे हॉस्पिटल भी कि मुझे जल्दी लेके चलो। मम्मी उनके हर टाइम 24 घंटे साथ रहती थी, उन्हें भी नहीं पता था कि अगले टाइम हॉस्पिटल में जाने के बाद इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। लग रहा था कि ना गैस है, कोई बात नहीं, डॉक्टर सब ठीक कर देंगे। उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, वो कह रहे थे मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मेरी सांस नहीं आ रही, बार बार मेरी सांस नहीं आ रही है। तो जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उन्होंने टॉयलेट वाली नली लगाई, उसके बाद पापा जी के हाथ पैर आँखें सब मूवमेंट करना बंद कर दिया। उसके जस्ट तुरंत बाद ही ना डॉक्टर ने उनको वेंटिलेटर पे ले लिया कि इनको अभी वेंटिलेटर की ज़रूरत है। वेंटिलेटर पे लेने के बाद आपको पता है कि सिर्फ 1% चांस होता है कि इंसान ठीक भी हो सकता है और या फिर उसके बाद कुछ भी हो सकता है। मेरे पास सुबह को 5:15 बजे फ़ोन आता है मेरी भाभी का, उन्होंने बताया कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पे है। मैंने तुरंत वरुण को जगाया, हालांकि वो फ्लाइट कर कर आए थे उस टाइम। रात को आए थे तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं खुद भी सोच रही थी कि इन्होंने रेस्ट नहीं किया है, पर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने बता दिया। और फिर हम लोग ठीक 1 घंटे में यहाँ से निकल गए थे। 8 बजे हम वहाँ पे पहुँचे तो पापा जी की हालत कुछ ऐसी थी। मेरे पास एक छोटी सी क्लिप पड़ी है, मैं उसे लगा दूँगी। इस तरीके की पापा जी की हालत थी और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ही होगा। बस परमात्मा से एक ही दुआ थी कि मेरे पापा ठीक हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। पता नहीं हमारी कौन सी गलतियों की सजा हमें मिली जो
जो वो इतनी जल्दी चले गए, उनका ब्रेन हेमरेज हो गया और हमें छोड़ के चले गए। कोशिश कर रहे हैं सब कुछ ठीक करने की, और अभी वरुण के साथ जो हुआ है, मेरे को उनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन के रहना होता है, क्योंकि वो इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है अपना पूरे करियर को लेके। मतलब इंसान, हम लोगों की इतनी सारी प्लानिंग थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सबके लिए सोचते थे, सिर्फ ये नहीं कि अपने लिए, सबके लिए, हमारी फैमिली, हमसे जुड़े हुए लोग और जो नहीं भी जुड़े हुए उनके लिए भी बहुत कुछ करना चाहते थे। पता नहीं परमात्मा की क्या ही मर्जी है, इतना सब कुछ हो गया, समझ में नहीं आता कि सारी चीज़ों को किस तरीके से हैंडल किया जाए। बट अभी यही है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप सपोर्ट करना। बाकी का मैं देखती हूँ, हो सके तो मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी, या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन भी हो सकता है, क्योंकि घर पे गेस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं तो उस टाइम पे हम लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है इतना। फिर वरुण के साथ भी हमें रहना होता है, क्योंकि उनका मन लगाने के लिए सब लोग इकट्ठे बैठे रहते हैं, ताकि वो ज़्यादा सोचे नहीं और परेशान ना। तो मैं अभी अपने ब्लॉग को यही एंड कर रही हूँ, आगे जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बस जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए, अब कुछ और कुछ नहीं खोना, बहुत कुछ खो दिया।